हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्स। सर्स को हम लोग बंगाली में और हिंदी में क्या कहते हैं? करनी, करनी निराशक। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्स, सर्स मतलब करनी। ठीक है, देखो यार, हम लोगों को आज ये 11-12 का लिए स्पेशली ये थर्ड वीडियो है मुझे लगता है। और सर्स आपका बहुत मतलब 7, 8 और 9, 10 भी कवर कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। मुझे ये पहला क्यों चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि ये देखो ये बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला है। मैं इनसे पहले आप लोगों को इंडिसेस का सारे चैप्टर, इंडिसेस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने सब कुछ सॉल्व कराया। तो जो भी आज नए हो चैनल में, प्लीज़ आप लोग पहले वाले वीडियो देख लो, क्योंकि अगर इंडिसेस का आप लोगों को कंसेप्ट पता नहीं है तो हो सकते हैं कि सर्स का क्वेश्चन का आप लोगों को समझ में ना आए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिसेस का सारे लिंक दे कर रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले लिंक से आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग सर्स का क्लास कीजिए। ठीक है, चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर्स कुछ नहीं है यार, सर्स को क्या है? इनमें ये चैप्टर में हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग जो भी कुछ इंडिसेस में सीख के आया है उसमें सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, वही चैप्टर को जस्ट इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अब हम लोगों को सर्च का सिर्फ एक ही मकसद होगा, सर्च का एक ही मकसद होगा। क्या मकसद है वो भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉन्सेप्ट है, भूल तो नहीं किया ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इसमें? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कुछ मेरा रूट के अंदर है, जो भी कुछ हमारा रूट के अंदर है, मुझे सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा एम ये रहेगा, मुझे डिनोमिनेटर में किसी भी हालत में रूट नहीं रहना चाहिए, उसको एक नंबर में लेकर आना है। ठीक है, मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मुझे जो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर किसी भी हालत से लेकर आना है। ठीक है, उसी का मेथड को, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इन लिए हम लोगों को ये सर्स का कॉन्सेप्ट आया है। हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ाई करता है, अगर मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस में कहीं भी प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, अगर डिनोमिनेटर में रूट का है, अगर रूट को हटाना है, तो वहीं पर भी मुझे सर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, समझ गया? चलो आप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है भाई। न्यूमरेटर तो पता है, और इसको कहता है डिनोमिनेटर। तो भाई न्यूमरेटर के हिंदी में क्या कहते हैं? अंश। न्यूमरेटर का क्या है हिंदी में? कहते हैं अंश। और डिनोमिनेटर का क्या कहते हैं? हर। डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। तो अगर बंगाली में करूँ तो कहूँ तो न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? लव। और डिनोमिनेटर को हर। ठीक है, समझ गया? हाँ, समझ गया ना? चलो बहुत अच्छा है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मुझे कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में अंदर अगर आपको न्यूमरेटर में कुछ दिया और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर रूट में कुछ दिया, हम लोगों को मेन मकसद ये सर्स चैप्टर में यही है, मुझे डिनोमिनेटर में जो मतलब रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो नंबर है, मतलब इरेशनल जो नंबर है, इसी को चेंज करके मुझे रैशनल नंबर करना है। रैशनल नंबर मुझे करना है, किस में करना है ना, ये डिनोमिनेटर में। अगर आप लोगों को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब कुछ पता नहीं है ना, तो आप लोग प्लीज मेरा वो प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग क्लास 10th वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें मेरा सब कुछ एक नंबर्स नाम से एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तो वो नंबर्स वाला आप लोग वीडियो देख लेना, उनमें आप लोगों को ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, नहीं है, सब कुछ मैंने बोल के रखा। ठीक है, तो वो वाला एक बार देख लो। तो ये क्या है, मुझे मकसद यह है, इरेशनल नंबर जो भी कुछ है, इरेशनल नंबर को हटा के मुझे इनमें रैशनल नंबर लेकर आना है डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ लिया ना? देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब और भी समझ जाओगे। आप लोग ऐसे भी बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार। ठीक है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन, मैंने बोला भाई इसी को डिवाइड करो। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये क्वेश्चन मैंने बोला भाई इनको डिवाइड करके मुझे बताओ, ये सर्स का फॉर्मूला यूज करके बताओ, डिनोमिनेटर से आप रूट हटा के मुझे रैशनल नंबर में बताओ। आप क्या करोगे? तब क्या करोगे? आप बोलोगे कुछ नहीं करेंगे, मुझे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, न्यूमरेटर में है रूट 6, इसमें है रूट 5। आप देखो, आप थोड़ा सा सोचो, अगर आपको यहाँ से आपको रूट हटाना है, अगर रूट हटाना है तो
रूट आप कैसे हटाओगे, रूट आप कैसे हटाओगे? तो भाई 5 का तो स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते हो, 5 का तो स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते हो। इससे बेहतर यही होगा कि अगर आप रूट फाइव से बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हो जाएगा 30, रूट के अंदर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5, तो नीचे में चला गया रूट, नीचे में चला गया रूट, हट गया ना, आ गया ना रेशनल नंबर में। यही मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद है, मैं कुछ नहीं कह रहा हुआ। देखो और एक मैंने छोटा सा कंसेप्ट है ये, ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट ये है, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया ना आप लोगों को कंजुगेट कंजुगेट शर्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्री शर्ट्स निकालने के लिए दिया ना, तो आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा भाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, ये आपका कोई भी एक सर्च का है क्वेश्चन है, आपको बोला है इसका कॉन्जुगेट सर्च क्या है, कॉन्जुगेट सर्च क्या है, जिसको बंगाली में कहते हैं प्रतिजगी, प्रतिजगी या अनुबंधी और पूरक पूरक करणी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वही है इंग्लिश में जिसको कहते हैं कंजुगेट कंजुगेट शर्ट्स। तो ये कंजुगेट शर्ट्स क्या है, इनका कंजुगेट शर्ट्स क्या है, कंजुगेट शर्ट्स कुछ नहीं है भाई, ये है कंजुगेट शर्ट्स, ये है मेरा कंजुगेट शर्ट्स, मतलब क्या है इन सेकेंड वाला में, मतलब जो है मेरा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट में मेरा क्या है, जो देखो एक तो है सपोज ए रूट एक्स और प्लस ए है, ठीक है, सपोज ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के पहले आपका क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, यही इनका आपका क्या है ना, इनका आपका कोऑर्डिनेट जो क्या बोला कंजुगेट कंजुगेट शर्ट्स क्या है ना, कंजुगेट शर्ट्स आपका ये है, समझ गया ना, हाँ समझ गया, चलो ठीक है। चलो एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, एक दो प्रॉब्लम ले लेते हैं और उनको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोगों को और भी चैप्टर बेहतरीन से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे है, ठीक है। सपोज मैं अगर आपको बोलूँ, अगर सपोज मैं आपको ये बोलूँ क्या भाई मुझे एक सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फोर फोर है तो 4 डिवाइडेड है 3 3 × 3 × 25, 25 क्या है, 25 √4 है, 25 √4 है। मैं बोल रहा हूँ भाई इसको आप मुझे आंसर बताओ, ये क्या आंसर है, क्या आंसर है, मुझे आंसर दो मुझे, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, मुझे इसका आंसर दो, चलो भाई आंसर तो दे दो किसी ने, आंसर क्या है, 4 ये है 3 × आपको ये क्या करना है, मैंने बोला ना इंडिसेस का जो भी वीडियो नहीं देखा वो पहले इंडिसेस वीडियो देख के आओ, देखो आप कैसे फॉर्मूला कम में आएगा, क्या बोला था मुझे उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बोला था याद है ना, ये क्या फॉर्मूला है, AM/N फॉर्मूला बोला था ना इंडिसेस में, कैसे किया था उसको प्रूफ भी किया था, पहले देख लो वीडियो अब पता चल जाएगा। देखो फिर क्या है, ये 4 है, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5² लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। फिर है 3 × 5² इसको क्या कर सकते हैं, 1/4, 4 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो लिखा मैंने सिंपली मैंने लिखा। फिर ये है 4, ये है मेरा क्या है 3 × 5^2, 5^2, ठीक है, 5^2 क्या है ना, 5^2 है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोल दिया, अगर आपको नीचे से रूट को हटाना है तो क्या करना है, रूट को अगर उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में तो ये तो इजिली हट जाएगा, ये तो इजिली हट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4√5 और नीचे आ जाएगा 3 × 5, 3 × 5, तो क्या हो जाएगा आपका 4/15, 4/15 √5, 4/15 √5, समझ गया, समझ गया ना कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैसे आपको रूट को हटाना है, डिनोमिनेटर को कैसे आपको रैशनल नंबर में लेकर आना है, समझ गया, यही हमारा मेन मकसद है, यही हमारा मेन काम है, ठीक है ना, हाँ चलो चलो ठीक है चलो मुझे भी पता चला, समझ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सिंप्लीकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सिंप्लीकेशन आप लोग बना सकते हो ना तो आप समझ जाओ कि हाँ आप लोग सार्स का प्रॉब्लम समझ में आ गया, आप लोगों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक सिंप्लीकेशन दे रहा हूँ। देखो भाई मैंने एक सिंप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम ले लिया, मुझे आप बताओ ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कंजुगेट सार्स का कॉन्सेप्ट दिया ना, क्यों दिया, उसका कॉन्सेप्ट देने का मकसद क्या है मेरा, क्योंकि देखो भाई अगर नीचे में अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आएगा तो इसको हटाने के लिए क्या है, अगर सिंगल ही रूट में आता तो उसमें तो मल्टीप्लाई कर देता डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ आ जाते हैं जो जिनमें हम लोगों को कंजुगेट यूज करके इसको हटाना है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे मुझे बताओगे किसने, हाँ चलो 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 मैं करके बता रहा हूँ, आप क्या करोगे ना, तब ऐसे क्वेश्चन में आपको ना
जो डिनोमिनेटर में है उसमें क्या करना है, उसमें कंजुगेट, उसमें जो कंजुगेट सर्स है, उसमें जो कंप्लीमेंट्री सर्स है, उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। क्यों करना है, क्यों करना है, देखो थोड़ा सा इधर देख लो, क्यों करना है, हम लोगों को सबको पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अगर ए प्लस बी में मुझे दिया तो मुझे अगर कंप्लीमेंट्री सर्स का अगर मैं लगाऊ फॉर्मूला तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। अगर ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया तो उसको मैंने इजिली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मेरा एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया, हाँ समझ गया ना, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, क्या 3√2 है तो भाई मुझे बताओ किसने, 3 √3 + √6 है, इसका कंजुगेट सर्स क्या होगा, √3 - √6, इसका कंजुगेट सर्स होगा √3 - √6। ठीक है, 4, तो देखो भाई अगर डिनोमिनेटर में आपने किसी से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये कटेगा, 1 होगा, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, घर में दो बच्चे हैं, किसी को आपने आईफोन दे दिया और किसी को आपने नोकिया 1100 दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, सबको आज का ज़माना में सबको इक्वल देना है। तो वही बात है, अगर न्यूमरेटर में आपने डिनोमिनेटर में आपने किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका क्या है, ये आपका रूल्स है। ठीक है, 4√3, अब देखो √6 + √2, इनका कंजुगेट सर्स क्या है, कंजुगेट सर्स है √6 - √2, तो इनसे क्या करोगे, इनसे आप पहले ऊपर वाले का भी माइनस कर दो, मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, हो गया। फिर 3 नंबर का क्या है, 3 नंबर का है √6, नीचे है क्या, √2 + √3, √2 + √3, इसका कॉन्जुगेट सर्स क्या है, √2 - √3, ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो √2 - √3। ठीक है, समझ गया, समझ गया ना, हाँ चलो चलो देखते हैं। फिर है ये वाला देखो, 3√2 है, 3√2 है, मुझे कोई बताओगे, ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मुझे एकदम बेसिक से ही चलना है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। अगर आपके पास ए बी है, ब्रैकेट में सी प्लस डी है, तब क्या होगा, ये मतलब क्या है, ये भाई साहब इन भाई साहब से भी मल्टीप्लीकेशन है, प्लस ये भाई साहब इन भाई साहब से भी मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, 2-3 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे बेसिक बोलना ही है। ठीक है, तो क्या है भाई, कहने का मतलब ये है, ये जो 3√2 है वो √3 से भी मल्टीप्लीकेशन होगा और √-6 से भी होगा, जो साइन बीच में है वो बीच में वही साइन आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 √2 × √3 क्या होगा, √6 होगा भाई। √2 × √3 हमेशा होता है √6, लेकिन भाई ऐसे किसी ने बोल मत देना √2 + √3 ये भी तो होगा √5, ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो मैंने जब इंडिसेस कराया था मैंने बोला था अगर आपके रूट के अंदर ए इंटू एम है तो आप इजिली लिख सकते हो √a √m, लेकिन आप ये मत कहो कि भाई चलो √a + √b ये भी तो हम लोग कर सकते हैं ना, √ab, ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं होता है, गलत है ये, गलत है। ठीक है, अगर ये प्लस है तो प्लस को आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तभी इसको लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना। देखो भाई मैं इतना छोटा कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो ऊपर में हो गया क्या, 3√6, और ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 2 है, ये है 6 है। ठीक है, ये है 6 है, तो ये हो जाएगा 3 और ये है 6√12। ठीक है, 6√12 ये क्या बनेगा भाई साहब, ये क्या बनेगा, नहीं ये बनेगा 3 क्योंकि √3 √3 का मल्टीप्लीकेशन, ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² वाला फॉर्मूला है, a² - b² अगर a² का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर, अगर √3 का स्क्वायर क्या होता है, भाई √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर है √3 × √3, मतलब होता है 3। ठीक है, मतलब होता है 3, तो इसलिए लिखा 3 और ये होगा क्या, -6। ठीक है,
फिर ये माइनस, ये माइनस है, माइनस है तो ये क्या होगा, फोर रूट थ्री, इनसे मल्टीप्लीकेशन है, फोर सिक्स थ्री है 18, माइनस फोर रूट थ्री माइनस टू रूट टू है 6, ठीक है, ये है आपके नीचे में आएगा आपका 6 माइनस टू। फिर ये वाला है, ये वाला देख लेते हो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रूट सिक्स इंटू रूट टू है रूट ट्वेल्व माइनस रूट 18, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आएगा क्या, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री। कैसे आया, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ समझ में आया ना भाई? हाँ समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिनको समझ में आ रहा है वो कमेंट करते जाओ यार, वो कमेंट करो, कमेंट करो और कमेंट करके बोलो हाँ समझ में आया, ठीक है। चलो अब क्या है, देखो भाई, थ्री रूट सिक्स, थ्री रूट सिक्स माइनस थ्री रूट ट्वेल्व, यहाँ से तो थ्री कमन जाता है, यहाँ से थ्री कमन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से थ्री कमन जा रहा है, अगर यहाँ से थ्री आपका कॉमन है, अगर यहाँ से आपका थ्री कॉमन है, और नीचे से देखो भाई, मैंने कहने का मतलब है, अगर ऊपर से आपका क्या रहेगा, रूट सिक्स माइनस रूट ट्वेल्व, रूट सिक्स माइनस रूट ट्वेल्व, अगर यहाँ से भी थ्री कॉमन जा रहा है, थ्री माइनस सिक्स कितना होता है, माइनस थ्री, माइनस थ्री मतलब ये में आएगा माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। अब नेक्स्ट वाले देखो, अब नेक्स्ट में, नेक्स्ट में तो है माइनस, ये तो जैसे है ऐसे रहने दो, यहाँ से फोर कमन गया तो यह है रूट 18 माइनस रूट 16, रूट 16 और फोर फोर क्या होगा, कट गया, तो ये है भाई साहब, ठीक है। अगर प्लस, प्लस है प्लस, फिर प्लस में क्या होगा, टू टू और माइनस थ्री, ऊपर से क्या है भाई, देखो एक बात देख लो, एक बात देख लो, ऊपर से क्या है, रूट ट्वेल्व माइनस रूट 18 और भाई साहब टू माइनस थ्री में क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। चलो आप ये देख लेता है क्या करेंगे ना भाई, ये माइनस को ऊपर में लेकर जाएंगे, ये माइनस अगर है तो ये इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, इनके पहले क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, माइनस रूट सिक्स और प्लस रूट ट्वेल्व। फिर है माइनस रूट 18 माइनस रूट 18 माइनस माइनस प्लस रूट 16 और ये है माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस रूट ट्वेल्व क्या होता है ना, माइनस रूट ट्वेल्व और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस रूट 18। जो काट रहा है काट दो, जो है उसको रहने दो, प्लस चला गया 16, यह पर है 16, यहाँ पर सॉरी यह है 16, यह है 16 नॉट 6, तो क्या बचा है मेरा, रूट 16 है, रूट 16 है, रूट 16 है, माइनस क्या है, रूट 6 है, रूट 16 है मेरा और क्या है ना, रूट 6 है, ठीक है, रूट 16 है और रूट 6 है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 16 था या 6 था, ये 16 था या 6 था, कोई बताओगे मुझे भाई? अरे यार आप लोग देखो, आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोग यहाँ पर क्या था, फोर रूट 18 माइनस फोर रूट 6, फोर रूट 18 माइनस फोर रूट 6, मैंने इस लाइन में कैसे लिख दिया भाई, रूट 18 माइनस रूट 16 कभी भी पॉसिबल है? आप लोग देखते ही नहीं क्वेश्चन को। हाँ यार ये मेरा ही गलती है, लेकिन आप लोगों को भी तो देखना चाहिए ना। चलो ये है तब रूट सिक्स, ये है रूट सिक्स मतलब ये भी है रूट सिक्स, ये भी है तो ये प्लस रूट सिक्स है, ये माइनस रूट सिक्स है, ये भी काट गया, ये भी कट गया। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर सारी कुछ कट गया, अगर सब कुछ कट गया तो आंसर वन होगा या जीरो होगा, आंसर वन होगा या जीरो होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई? मुझे एक बात देखो, अगर डिवाइड कर रहे हो, ए ए कट गया तो आंसर होगा ए, अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ए माइनस ए हमेशा होता है जीरो, तो हम लोग इसमें प्लस और माइनस कर रहे हैं, और अगर सब्सट्रैक्ट में कुछ नहीं बचा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जीरो, आंसर होगा जीरो, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने बहुत सारे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, सारे कुछ कटने के बाद भी वो आंसर वन रख के आ जाते हैं। भाई हम लोग ये डिवाइड नहीं कर रहे, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे, ये हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ भी बचा नहीं है, मतलब बचा है जीरो, बचा है जीरो, तो आंसर क्या है, जीरो, ठीक है, आंसर क्या है, जीरो। देखो भाई बहुत ही सिंपल तरीका से पढ़ने का कोशिश कर रहे हो, बहुत ही समझने का कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद देखो साइड में एक बेल का बटन है, वो बेल को घंटी बजा दो, घंटी को दबाओ, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम में मैं जब भी वीडियो दूंगा, क्योंकि 11 12 का पूरा चैप्टर पूरा बुक मैंने कवर करूंगा, एसएनडी करूंगा, आरएस अग्रवाल करूंगा, आर्यन करूंगा, मैंने असित दास गुप्ता आईआईटी प्रॉब्लम्स प्लस, आईआईटी प्लस प्रॉब्लम्स एक बुक है, जबरदस्त बुक है, उसी को मैंने सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों को सारे वीडियो अगर चाहिए तो आपको क्या करना है ना, नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास पहुंचना है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने डेली वीडियो अपलोड करूंगा,
ठीक है। तो डेली आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगा, आप लोग वीडियो देखते रहो, कोई भी टीचर्स का जरूरत नहीं है, कोई भी ट्यूशन जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो भी कुछ कराऊंगा सफी कराऊंगा, कफिशियंट कराऊंगा, ठीक है, सफिशियंट आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करूंगा वीडियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। हम लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग हमेशा एक क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों को सार्स के चैप्टर से आते हैं। कौन सा क्वेश्चन भाई? स्क्वायर रूट वाला। क्या आते हैं ना? स्क्वायर रूट वाला कौन सा आते हैं ना? स्क्वायर रूट। आप क्या बोलते हैं ना? बोलते हैं एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं और बोलते हैं क्या बोलते हैं, वन बाई टू, वन बाई टू। अगर क्वेश्चन मान लिया टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री, इसका बोलते हैं मुझे भाई स्क्वायर रूट बताओ, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? इसका क्या करना है ना, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे मुझे बताओ। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है तो चाहे हो सकते हो मेरा ए प्लस बी स्क्वायर का, और नहीं तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दे दिया, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्लस दे दिया तो आप समझ जाओ आपका फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर बनने जा रहा है, आपका फॉर्मूला बनने जा रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। आप देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपको ये रूट के अंदर जो भी कुछ देगा इसको आपको मेंटेन, आपको ये मानना है कि भाई ये फॉर्म मेरा टू ए बी का है, ये फॉर्म मेरा टू ए बी का है। और ये जो दिया ना, ये इनको ऐसे ब्रेक करके लिखना है, ऐसे स्क्वायर फॉर्म में आपको एडिशन करके ब्रेक करके लिखना है कि चाहे ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। अगर ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और अगर ये आपका टू ए बी आप सेट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो किसी भी हालत से, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर में आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गया, समझ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों का मेन फोकस ये होगा कि हम लोगों का ये अंदर का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो है, अगर टू ए बी में आप हम लोगों को ये अरेंज करना है, इसको हम लोग टू ए बी में सेट करना है, तो इनके लिए मुझे टू चाहिए, टू चाहिए। मुझे किसी भी हालत में रूट थ्री से रूट थ्री को अगर ब्रेक भी कर दूं तब भी मुझे टू नहीं निकलेगा, टू नहीं निकलेगा, क्योंकि टू निकलने के लिए मिनिमम जो रूट देना चाहिए वो है मेरा रूट फोर, वो है मेरा रूट फोर, क्योंकि रूट फोर से ही मुझे टू आता है, रूट फोर इक्वल टू टू होता है। तो मुझे रूट थ्री से तो किसी भी हालत से टू नहीं मिलने वाला है, तो मुझे फर्स्ट कम जब मुझे पता चल रहा है भाई इनसे तो टू मुझे कभी भी नहीं मिलना है, तो मैं क्या करूंगा ना, टू को किसी भी हालत से यहीं पर ले आने का कोशिश करूंगा। कैसे कोशिश करूंगा ना, क्वेश्चन मेरा दिया है टू प्लस रूट थ्री, मैं क्या कर रहा हूँ ना, घर में दो भाई है, एक को आईफोन मिला तो एक को नोकिया कैसे मिल सकता है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, बोथ मैंने टू से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो ये तो बन जाएगा भाई वन बाई फोर, और ये भाई सब क्या बनेगा, टू से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर प्लस टू रूट थ्री, फोर प्लस टू रूट थ्री, फोर प्लस टू रूट थ्री। आप देखो मजा आएगा भाई, ये तो मेरा टू तो बन गया, ये तो मेरा टू बन गया। आप ये रूट थ्री को मुझे किसी भी हालत से ए बी फॉर्म में करना है अरेंज, ए बी फॉर्म में अगर टू को मैंने इसको अरेंज कर लिया तो मेरा, और इनको मुझे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में अगर अरेंज कर लिया तो मुझे फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो जो कुछ है वन बाई फोर रख दो, साइड में रख दो, इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, वन बाई फोर है। देखो भाई, अगर मैंने फोर को थ्री प्लस वन का फॉर्म में लिखू, थ्री प्लस वन का फॉर्म में लिखू, अगर प्लस टू रूट थ्री लिखू, टू रूट थ्री लिखू, तो इधर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इधर स्पेस नहीं है तो इधर कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा ना, बनेगा मेरा वन बाई फोर, वन बाई फोर रूट थ्री स्क्वायर, थ्री को मैंने लिख सकता हूँ रूट थ्री का स्क्वायर, वन को क्या लिख सकता हूँ, रूट वन स्क्वायर, रूट वन स्क्वायर, रूट वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, रूट वन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर ये टू रूट थ्री को प्लस टू इंटू ए इंटू बी, भाई समझ गया कैसे कर रहा हूँ, समझ गया ना, आप तो समझ गया ना, क्योंकि इनको पहले मैंने दिखा जब अच्छा रूट थ्री को मैंने ब्रेक भी कर दिया तो मुझे टू आने का पॉसिबल है नहीं, तो मैंने क्या किया भाई, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मैंने टू और टू से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दिया, ठीक है।
तो टू टू से जब मैंने कर दिया तो टू टू करने के बाद मुझे यहाँ पर आ गया टू रूट थ्री। तब मुझे समझ में आया, चलो भाई टू का तो कॉन्सेप्ट निकालो और रूट थ्री को ऐसे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में लिखो, ए इंटू बी में लिखो, जैसे ए भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा। तो मुझे पास और इन फोर को ऐसे लिखो जैसे मुझे रूट मतलब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए। तो मैंने फोर को क्या किया ना, फोर को अगर मैंने 3 + 1 लिखते हैं, 3 + 1, 3 मतलब स्क्वायर है, 1 मतलब बी स्क्वायर है, तो √3² मतलब 3, √1² मतलब 1, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 आ गया। और यही तो है ए, यही तो है बी, मतलब 2a × b, तो बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, √3 + 1, √3 + 1 मतलब √1 लिखना और 1 लिखना एक ही बात है, ठीक है ना भाई, एक ही बात है। तो इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला बोला क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आंसर देख के ऐसे मत देखो। बहुत सारे बंदे क्या करता है, बहुत सारे बंदे का अगर क्लास कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो बंदे क्या होता है खुशी खुशी में जब इतना तक कर देता है वो यहीं पर छोड़ के आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा है स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट होगा आपका ये 1/4, 1/4 आपका ये है क्या √3 + 1, तो होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, 1/2 √3 + 1, √3 + 1। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई ये प्लस माइनस क्यों आया, ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई अगर स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर अगर निकलता है ना, अगर कोई भी नंबर आपको स्क्वायर रूट से निकालना है, देख लो इधर देख लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्लियर करना है। देखो भाई सीधी बात मैंने कहने का मतलब है, अगर इसलिए प्लस माइनस, अगर सपोज मान लो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो मैं बोल रहा हूँ +-2 होगा, क्यों होगा भाई, किसी ने बोलेगा ना तो मैथ में नहीं मानना है, मैथ में उनसे पूछ लेना क्यों, एक्सप्लेन देना है, अगर वो एक्सप्लेन दे सकते हैं प्रूव कर सकते हैं तो मान लो, अगर नहीं दे सकते तो आप मत मानो, ठीक है। तो देख लो क्या है ना, अगर आप +2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा, अगर आप -2 का भी स्क्वायर करोगे, अगर -2 का भी स्क्वायर करोगे तब भी तो जाके -2 × -2 मतलब -2 + 2 = 4 आ गया, आ गया आंसर। इसलिए हमेशा स्क्वायर रूट जब भी मानोगे, स्क्वायर रूट जब भी करोगे तब भी आपको क्या है ना +-2 sin से आपको वो आंसर आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया +(+-1/2)√3 + 1, ये है स्क्वायर रूट करने वाला, ये है आपका क्या है, ये स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन वही है स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। मुझे किसी ने बताओगे क्या भाई ये क्या है, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है मुझे कोई भी बताओ। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा ही है बहुत ही आसान। क्या है मुझे देखो, आपको इस बार समझ में आ रहा है, आपको इस बार समझ में आ रहा है, मैंने जो भी कुछ बोला था आप इस बार समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर जो 4√3 है, मतलब 4√3 है, यहाँ से तो आप इजिली अरेंज कर सकते हो, इजिली क्या अरेंज कर सकते हो ना, 2ab का, 2ab का अपने इजिली आप क्या कर सकते हो ना, अरेंज कर सकते हो, ठीक है भाई, कर सकते हो ना अरेंज। तो आपको क्या करना है, एक होमवर्क दे दूं क्या, एक होमवर्क देना है नहीं, चलो मैं ही करा देता हूँ, कौन होमवर्क तुम लोग नहीं करोगे फिर। देखो भाई यह क्या है, मुझे कहने का बोलने का यही मतलब है, क्या बोला पहला क्वेश्चन में, क्या बोला इसको आप 2ab का फॉर्म में कर सकते हो या नहीं, मुझे बताओ पहले, कर सकते हो ना, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो भाई अगर इसको 2ab में कर सकते हो और अगर इसको आप a² + b² का फॉर्म में अरेंज किसी भी हालत में कर लिया, किसी भी हालत में अगर कर लिया तो आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम लोगों के पास सॉल्व होगा, क्वेश्चन हम लोगों के पास कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो भाई 6 + 4√3 है, पहले इसको देखता है क्या इनसे ये आ जाएगा क्या, 6 को किसी भी हालत से ब्रेक हम लोग कर सकते हैं क्या, √3 है, √3 मतलब 2 है, मतलब 2 × 2√3 है, इनको ऐसे कुछ ब्रेक करना है जैसे 2 और √3 आ जाए, 2 और √3 आ जाए। आप देखो कैसे करोगे,
मतलब a इंटू बी, मतलब a होना चाहिए 2, b होना चाहिए 3, ठीक है। मतलब 2 प्लस 3 भी करेंगे तो भी हमारा, मतलब 4 प्लस 3 करेंगे आएगा 7, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6, मतलब इसका तो पॉसिबल नहीं है कि ये हम लोग 2 ए भी माने। तो इनको कैसे ब्रेक करें? इनको हम लोग ब्रेक ऐसे कर सकते हैं, इनको ब्रेक हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई? ये जो रूट सिक्स है इसको रूट थ्री होल स्क्वायर, रूट थ्री होल स्क्वायर इंटू टू, मतलब क्या है, ये 3 है इंटू 2 है 6 है, हो गया 4√3। आप देखो क्वेश्चन मजा आ जाएगा। ये दोनों से ना, ये दोनों से ना मैंने रूट थ्री कॉमन ले लिया, रूट थ्री को कॉमन ले लिया। अगर रूट थ्री कॉमन ले लिया तो मेरा क्वेश्चन आ गया 2 + √3 और यहाँ से आ गया 4। मजा आ गया, मजा आ गया। पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन में शिफ्ट हो गया। अब पहले वाला क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करके आया, हम लोग अभी अभी सॉल्व करके आया, अभी सॉल्व करके क्या आया ना, अभी थोड़ी पहले हम लोग सॉल्व किया ऐसे ही क्वेश्चन जहाँ में हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करोगे, रूट थ्री बाई टू, इसलिए टू कर रहा हूँ क्योंकि 2 × AB, ए बी मतलब है 3 × 1, 3 × 1, 3 × 1, ठीक है। अगर आप इसको 3 से करोगे, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपको 4 में क्या लिख सकते हो, 3 + 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो लिख दो यार, क्या बात है, लिख दो 2√3 + 3 + 1 लिख सकते हैं ना। तो क्या है, √3 और ये है √3 होल स्क्वायर + √1 होल स्क्वायर + 2 × √3 × 1, लिख लिया। तो √3 और ये क्या आ गया आपका, √3 + 1 √3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया भाई। समझ गया कैसे किया मैंने, समझ गया ना। हाँ चलो ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मेरा आंसर अभी तक नहीं आया, मुझे क्या क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए स्क्वायर रूट क्या है, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए स्क्वायर रूट क्या है। तो आपको आंसर देना है इनमें नहीं, आपको पूरा फाइनल आंसर करना है, पूरा फाइनल आंसर करना है। आपको फाइनल आंसर क्या करना है, स्क्वायर रूट इक्वल टू आपको क्या करना है, √3 और फिर है √3 + 1 तो होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो देखो प्लस माइनस क्यों आया, थोड़ी देर पहले बोला भाई एक बात बताओ, भाई एक बात बताओ मुझे, अगर रूट ए है, अगर रूट ए है, अगर उसको फिर से रूट करना है तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, देखो भाई क्या निकलेगा। इस ए का मतलब क्या है, इस ए का मतलब क्या है, 1/2, इस ए का मतलब है 1/2, और ये भी तो टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए 1/4, टोटल ये हो जाएगा 1/4। कैसे होता है ये फॉर्मूला, सार्स का मैंने इंडिसेस का फॉर्मूला में सिखाया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1/4, 3 × 1/4, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1, ठीक है। कैसे समझ गया क्वेश्चन, कैसे मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ में आया, आपको क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले मैंने दिखा यहाँ पर 2ab बन तो रहा है, लेकिन 2ab अगर बन गया तो मुझे 2√3 जो मुझे बनाना है, कहाँ से बनाना है, 6 से बनाना है, लेकिन जो मेरा इम्पॉसिबल है क्योंकि बन ही नहीं रहा है, कहाँ से बन रहा है, 2√3 हम लोग बना नहीं सकते ना, हम कैसे बना सकते भाई, 2 का मतलब है √2, और ये √3 लेना है, तो √3 को अगर मुझे यहाँ से लेना है तो सिंपली करना है मुझे, यहाँ पर 2 कहाँ से आएगा, 2 आएगा √4 से, मतलब √4, और ये है 3, तो 4 + 3 तो बन जाता है भाई 7 तो नहीं है क्वेश्चन में 6। तब मुझे समझ में आ गया, चलो यार मतलब इसमें कुछ घटाला है, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन ले लेता हूँ। तो दिखा पहले √3 को कॉमन ले लिया, अगर √3 को मैंने कॉमन ले लिया तो उसके बाद दिखा ऐसा कुछ फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को तो मुझे इजिली 3 + 1 का फॉर्म में मैंने इजिली सेट कर सकता हूँ। तो मैंने किया और मेरा आंसर ये निकल के आया, मेरा क्वेश्चन का आंसर ये आया, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, तो स्क्वायर रूट का जब क्वेश्चन किया ये आया, ठीक है। समझ गया भाई, वीडियो मजा आ रहा है, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए प्लीज, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन करोगे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का,
देखो भाई लास्ट क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन ऐसे कुछ है, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, एक्स इक्वल टू ये है और एक्स वाई इक्वल टू वन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या निकलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको निकलना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो एक्स इक्वल टू ऐसे दे दिया तो क्या है, आपको कंजुगेट, आपको कंजुगेट सर्च लगा के कंजुगेट सर्च को लेकर विथ हेल्प क्या करोगे ना, आप ये डिनोमिनेटर से आप ये रूट को हटाओ। पहले आप एक्स इक्वल टू निकाल लो क्या है, तो क्या करोगे रूट सेवन प्लस रूट थ्री और ये हुआ आपका रूट सेवन माइनस रूट थ्री, इसका कंजुगेट है आपका रूट सेवन प्लस रूट थ्री जो है ऊपर में रूट सेवन प्लस रूट थ्री, ठीक है हो गया ना। तो फिर ये क्या हो गया आपका रूट सेवन माइनस रूट थ्री, मतलब ये हो गया आपका नीचे आ गया सेवन माइनस थ्री और ऊपर में देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या है आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब क्या है, ये है सेवन ये है थ्री, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये क्या है सेवन प्लस थ्री प्लस टू रूट ट्वेंटी वन, टू रूट ट्वेंटी वन ये है आपका नीचे क्या है फोर। तो सेवन प्लस थ्री क्या है, सेवन प्लस थ्री है टेन, सेवन प्लस थ्री है टेन प्लस टू ट्वेंटी वन बाई फोर बाई फोर, ठीक है। तो टू कॉमन लिया, टू कॉमन लिया फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन, फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन, टू कॉमन लिया तो फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन और यहाँ से आया फोर, तो ये आ गया क्या आया, ये क्या आंसर आया, ये आया वन बाई टू, ये आपका आंसर आया वन बाई टू, वन बाई टू और ऊपर में क्या आया भाई, ऊपर में आया फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन। भाई क्वेश्चन में और एक कंडीशन दे दिया था, मतलब एक सिकल टू ले लिया, एक सिकल टू निकल गया, क्वेश्चन में और एक दे दिया था आपको एक्स वाई इक्वल टू वन, एक्स वाई इक्वल टू वन, एक्स वाई इक्वल टू वन, क्वेश्चन में क्या दे दिया था एक्स वाई इक्वल टू वन, तो विथ द हेल्प ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वन वही कंडीशन से हम लोग वाई इक्वल टू निकल जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू वन दे दिया तो अगर मैं एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, तो मुझे वन वन बाई टू फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन, तो क्या है टू बाई फाइव प्लस ट्वेंटी वन। अब देखो, अब देखो सर्च क्या है, सर्च का मेन मकसद ये है डिनोमिनेटर में आप रूट हटाओ, तो रूट हटाते हैं फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन और फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन और ऊपर में है फाइव क्या है फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन, ठीक है। ऊपर में आएगा, ऊपर में क्या आएगा टू रूट फाइव, रूट फाइव नहीं है सिंपल फाइव है, फाइव माइनस रूट रूट ट्वेंटी वन, रूट ट्वेंटी वन, ठीक है। तो ये नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका फोर, तो मतलब वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू क्या आएगा वन बाई टू फाइव, फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन, फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन, ठीक है। तो y इक्वल टू निकल गया, y इक्वल टू निकल गया, तो x इक्वल टू क्या आया भाई, x इक्वल टू क्या आया ना, x इक्वल टू आया वन बाई टू फाइव प्लस रूट ट्वेंटी वन आया, रूट y इक्वल टू क्या आया भाई, रूट y इक्वल टू आया वन बाई टू फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन, फाइव माइनस रूट ट्वेंटी वन। हमारा क्वेश्चन में है, हमारा क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्वेश्चन में है, तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हो, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन प्लस टेन टू इंटू ए इंटू बी टेन ट्वेंटी वन, ये है हमारा। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर है वन बाई फोर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन माइनस माइनस टेन रूट ट्वेंटी वन, टेन रूट ट्वेंटी वन, ठीक है। हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये और ये अगर ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ना, मिलेगा भाई ये वन बाई फोर तो कमन जाएगा, वन बाई फोर तो कमन है, वन बाई फोर तो कमन है, तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन, ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी वन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो मतलब क्या है, ये और ये माइनस कर देता हूँ, सो ये सारे प्लस माइनस में हो जाएगा और ये सिर्फ माइनस प्लस में होगा, मतलब ये बचेगा सिर्फ वन बाई फोर, तो इसमें भी कॉमन है, क्या बचेगा सिर्फ टेन रूट ट्वेंटी वन प्लस टेन रूट ट्वेंटी वन, टेन रूट ट्वेंटी वन,
टेन टू 21, ठीक है ठीक है। चलो 1 बाई 4 1 बाई 4 तो कट गया, 1 बाई 4 1 बाई 4 तो कट गया, तो क्या हुआ 25 25 50 50 और 21 21 है 42, 50 प्लस 42 है 92 92, और नीचे कितना आ गया भाई 10 कमन ले लिया, तो 10 कमन ले लिया तो आ गया आपका 20 20 रूट 21, √21 ठीक है, 20 रूट 21 ये आपका आ गया। तो हमारा क्या है सार्ज का कंसेप्ट, क्या है सार्ज का कंसेप्ट है नीचे में डिनोमिनेटर में रूट को हटाओ, तो रूट को हटाने के लिए इनके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा √21 और 20 इंटू, फिर ये हो जाएगा बनेगा 21। फिर देख लेना जो जो कटेगा काट दो, अगर ये कट रहा है तो काटो, 2 से जा रहा है 4 2 8 1 2 6 है, ये है 10 ठीक है, तो 46 इंटू √21 और नीचे में है 210 210 ठीक है, आपका ये बन गया आंसर। देख लो भाई बहुत आसान है सिंपल है एकदम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कैसे करना पड़ रहा है, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैंने देखा क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने देखा क्या देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेरा पास ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरे पास ऐसा ही कुछ था, क्या क्वेश्चन था सिंपली एक्स और वाई इक्वल टू दे दिया था, कुछ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे दिया था और मुझे एक्स वाई इक्वल टू भी दे दिया था, तो मैं क्या किया ना एक्स और वाई पहले निकाल लिया, मैंने क्या किया ना मैंने एक्स और वाई इक्वल टू निकाल लिया, जब मैंने एक्स और वाई को निकाल लिया मैंने उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी निकाल लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल लिया, फिर मैंने उसको डिवाइड फॉर्म में जैसे किया लास्ट में दिखा नीचे में मुझे सार्स में क्या है कॉन्सेप्ट मूव किया डिनोमिनेटर में मुझे रूट हटाना है, तो मैंने रूट हटाने के लिए जो करना पड़ा मैंने किया, फिर मेरा आंसर आ गया। तो देखो भाई वीडियो तो लेंथी बन गया, हम ट्राई करेंगे इंटरव्यू वेक्टर वीडियो देने का आप लोगों को, आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके जितना ग्रुप में हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी जुड़े रहिए, और इनसे अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट का कोई भी डाउट है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट करो, आप लोगों का जो भी डाउट है करो पूछो डाउट को क्वेश्चन कमेंट में लिखो, हो सके जितना पॉसिबल है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सारे डाउट का आंसर जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।